डीडी समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के डबरा से। डबरा विधानसभा क्षेत्र की गौ माता के कल्याण के लिए सिंध नदी पर गौशाला का किया जाएगा शुभारंभ। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में चल रही 108 गौ कथाएं ग्राम कोसा में 83वीं गौ कथा आज संपन्न हुई। कार्यक्रम के आयोजन दिनेश खटीक कथावाचक संत शरण गोपालदासी महाराज जी ने बताया, प्रत्येक घर में गौ पालना होनी चाहिए। गौ सेवा से गांव का विकास है। गाय से हमें औषधियां प्राप्त होती है। अगर हर घर में गौ माता का वास हो तो वह घर सुख संपन्न रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। गाय के पंचांग शरीर से कैंसर जैसी बीमारियां दूर होती है। एवं सभी ग्रामवासियों ने कथा श्रोताओं ने हाथ जोड़कर गौ सेवा करने एवं गाँव में पूजने का वचन लिया। दो कथाएं हम लोग करीब 21 अप्रैल से क्षेत्र में कह रहे हैं और 108 कथा का संकल्प लिया है जो इसी क्षेत्र में करना है। डबरा क्षेत्र के लिए वो संकल्पित हैं, पूर्ण हो रही हैं वो कथाएं, बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाए। मुझे लगता है कि एक माह भी नहीं लगेगा, एक माह के अंदर अंदर वो पूर्ण हो जाएंगी। और उस उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि तो गौ माता का सम्मान हो, साथ ही साथ जो किसानों को असुविधा हो रही है उससे भी उन्हें बचाया जाए, गौ माता भी सुरक्षित रहे, किसान भी सुरक्षित रहे, तो दोनों की दृष्टि में ध्यान में रखी गई है कि दोनों को कैसे सुविधा हो। इसके लिए हम लोग उन मर्चेंट के साथ सहयोग करेंगे और ये गौशाला हम प्रारंभ कर देंगे। कोशिश हमारी ये है कि शहर में या गांव की सड़कों पर खुले में गौ माता सिर्फ इस भाग से न घूमे कि उसका कोई है नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हमें प्राप्त हो जाए और हम उनको व्यवस्थित